भारतीय जनता पार्टी के विजय उत्सव के कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्पष्ट बहुमत के साथ गोवा और मणिपुर में जो सरकार बनाई है उसको लेकर वो उत्साह के मूड में है और पूरे देश में इस जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है। बीते एक सप्ताह से अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा अशोकनगर में भी इस विजय का उत्सव मनाया गया। आज विजय उत्सव का समापन अवसर अशोकनगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक साथ मनाया। सुभाषगंज रामलीला मंच से कार्यक्रम शुरू हुआ, इसके बाद एक रैली के तौर पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम पूरे शहर में निकला। ढोल नगाड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने नेताओं के नारे लगाए, साथ ही अपने विजय जुलूस के बारे में लोगों को भी बताया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास के मुद्दे पर लड़े चुनाव को लेकर लोगों के बीच अपनी बात रखी। इसी मुद्दे को लेकर विजय उत्सव की समाप्ति पर आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जय कुमार सिंघई और विधायक गोपीलाल जाटव अशोकनगर SR दफ्तर में भी पहुंचे और इस पूरे आयोजन और चुनाव को लेकर अपनी विवाक राय भी रखी। उनसे कई सारे ऐसे सवाल भी पूछे कि इन जीत के क्या मायने हैं और उसके पीछे वो क्या समझते हैं। गोपीलाल जाटव ने इस पूरे मामले को बताया कि अब देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे भी आती रहेंगी और इस समय जो भी माहौल देश में उनके लिए बन रहा है वो सब काम को लेकर है और आगे भी भविष्य में इसी तरह की चीजें होती रहेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR अशोकनगर, मैं हूं आपके साथ हितेंद्र बदौलिया। आज अशोकनगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित चार राज्यों में जो विजय हासिल किए या सरकारें बनाई हैं उसको लेकर विजय उत्सव शुरू किया था और आज पूरे देश में इस विजय उत्सव का समापन मनाया गया। ढोल नगाड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे राजनेता, कार्यकर्ता और दूसरे लोगों ने इस विजय उत्सव को ऐतिहासिक बनाया। इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के कुछ सदस्य आज हमारे साथ में हैं। हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि इस जीत के उनके लिए क्या मायने थे और इन सब चीजों को लेकर उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है SR के दफ्तर में, आप यहाँ आए, आपका धन्यवाद। जिलाध्यक्ष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पूरा कार्यक्रम आपने किया उसके पीछे क्या कारण रहे। आज सारे देश में 18 तारीख को जो विजय उत्सव मनाया गया वो सारे देश में मनाया है और वो चार राज्यों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा में चार राज्यों में जो सरकारें बनाई इसके लिए हमने विजय उत्सव मनाया और सारे देशवासियों को बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बताइए जी, आप तो बहुत लंबे समय से सरकारों में कई सारे चुनाव आपने जीते हैं, लड़े हैं। जी हाँ। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव रहा तो एक राजनीतिक तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या चीजें थी कि जो भारतीय जनता पार्टी को इतना जबरदस्त जन आधार मिला। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता क्या जी, लेकिन मैं चार प्रांतों की जनता को जो है ना धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन और अभिनंदन करता हूँ जी। चारों राज्यों में जो सरकार आई है ये एक जो है उस चारों प्रांत की जनता ने एक इतिहास बनाया है। मैं समझता हूँ कि भाई नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी ही नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जो ना वो एक अवतार ही हैं, जो कि उनने नोटबंदी का मामला आया और नोटबंदी के मामले पे आकर के जो है ना कह रहे थे कि जो है ना कहीं भी जो है ना नोटबंदी जो है ना मताना भारतीय जनता पार्टी का जो है ना नाम निशान मिटा देगी। बिल्कुल। लेकिन नोटबंदी के होने से भाई नरेंद्र मोदी जी का जो है ना हिम्मत देखो, दम देखो, उनने जो है ना इतना बड़ा निर्णय लिया नोटबंदी का और नोटबंदी का निर्णय लेकर के और नोटबंदी के बाद में जब जब जो है ना जहां जहां जो चुनाव हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीती है, ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत जो है ना धन्यवाद देता हूँ, वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और आगे भी मैं समझता हूँ कि देश के प्रति जो है उनकी जो आस्था है, उनने कहा है
ना बैठूंगा ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे जो मतलब ना सियासी अभी तक जो है ना देश को आजाद हुए 65-66 साल हो गई हैं, लेकिन ऐसे जो है ना मतलब ना प्रधानमंत्री जो है ना पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और अटल जी ने भी अच्छा काम किया था, मैं उनका भी जो है ना आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय अशोक। जिला तो किस तरह के अनुभव आपको रहे थे, क्या शुरू में आप जब प्रचार कर रहे थे तो लग रहा था कि इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा? नहीं, मैं झांसी गया था और हमारे लिए उत्तर प्रदेश में ललितपुर और मेहरौनी दो विधानसभाओं का दायित्व दिया गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा, शुरू में ऐसा ये स्टार्टिंग में तो नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे एकदम से ऐसी माने जिस तरीके से आंधी चलती है, मेहरौनी सीट तो शुरू से लग रहा था हम जीत जाएंगे, लेकिन ललितपुर में नहीं लगता था कि हम सीट जीतेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम बहुत अच्छे मार्जिन से सीट जीते। और जो नोटबंदी के ऊपर से जिस तरीके से लोगों को लगता था कि हम शायद चुनाव हारेंगे, उसका कोई असर नहीं रहा। विकास के ऊपर और नरेंद्र मोदी के विश्वास को देखते हुए सब ने उस पर मोहर लगाई और हम दोनों सीटें जीते। चलिए साहब, आप एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जो मुस्लिम बाहुल हैं, कई सारी बातें ये कही जा रही थी कि चुनाव भाजपा हिंदुत्व जैसी चीज़ों पर लड़ रही थी, तो ये जो परिणाम आए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं इतना कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो ये जो वोट मिले हैं, ये सरकार बनी है, वो सबका साथ और सबके विकास के नारे पे बनी है, कोई अकेले हिंदुत्व नहीं बनी। इस देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को इसलिए चुना है कि इस देश की जनता समझ गई कि इस देश का अगर कोई विकास कर सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो। नोटबंदी जैसा कड़ा फैसला करने के बाद देश की जनता इस बात पर मोहर लगा रही है, तो इससे ज़्यादा दूसरा सबूत नहीं हो सकता कि देश के लोग, देश के युवा पीढ़ी ज़्यादातर 65% युवाओं का देश है भारत, और 65% युवाओं के देश में पूरे देश के अगर किसी के उत्तर प्रदेश में अभी युवाओं का खास रोल रहा है, युवाओं का खास रोल है, चाहे चाहे प्रत्याशी युवा जीते, और युवाओं ने अपने इंटरनेट के जरिए मोबाइल के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाया, और सबसे बड़ी बात सबका साथ सबका विकास। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सब मत से सरकार बन सकती है पर देश सर्व मत से ही चलेगा, उनकी ये लाइन शानदार। विधायक जी एक बात बताएं, अब हिंदुस्तान की जो बात की जाती है कि राम लहर शायद सबसे बड़ी लहर थी चुनाव के लिहाज से, पर उस समय भी इतनी ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, चूंकि आपने तो दोनों चुनावों को बहुत नजदीक से देखा है, तो आप अपना अनुभव बताइए कि ये जो चीज है और पुरानी जीतों में कितना अंतर है? देखो ये बात सही है, मैं समझता हूँ कि एक तो उत्तर प्रदेश में अपने देश में सबसे बड़ा प्रदेश है जिसमें 80 सीट लोकसभा की हैं, 403 जो है ना विधानसभा की हैं। एक तो उनने जो है जो तलाक वाला जो मामला आया जी, हमारे देश की चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो वो हमारे देश की नारी है, बिल्कुल हमारी सम्माननीय है। उस तलाक का जो मामला आया तो 3 बार तलाक 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 हुआ और जो है ना मतलब ना उसकी जिंदगी बर्बाद। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी के जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया कि हम जो है ना इस तलाक का विरोध करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाएंगे हम। एक बात, दूसरी बात हमने ये भी पार्टी ने ये निर्णय लिया कि किसानों का जो है ना मतलब ना हम कर्जा भी माफ करेंगे। तीसरा निर्णय यह है कि जहां जहां जो है ना मायावती बहुजन की जो है ना मतलब ना मैं समझता हूं कि उन्होंने राज भी किया है प्रदेश में, मुख्यमंत्री भी रही है वो मायावती, परंतु मैं समझता हूं इस चुनाव में सारे वर्गों ने, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, जहां जहां जो है ना भाजपा बसपा का था गढ़ भावी बीजेपी जीती है, जहाँ जो है ना मुमराओं का गढ़ था भावी बीजेपी जीती है, इसलिए जो है ना उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण रूप से जो है ना मतलब ना भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है, भाई नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास किया है कि देश को अगर कहीं जो है ना ये चला सकते हैं, हमारी जो है ना भारत माता की लाज बचा सकते हैं, हमारे देश की नारियों की लाज बचा सकते हैं, तो वो है मात्र मात्र जो है ना नरेंद्र मोदी। मुकेश जी आप तो अनुसूचित जाति से आते हैं, उत्तर प्रदेश में एक वर्ग विशेष को लेकर मायावती काम करती हैं, अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर जो है वो अपने आप को मसीहा बताती हैं, मगर इस बार उनके बहुत सारे गलत फैल हुए, तो आपको लगता है कि अनुसूचित जाति का जो वोट वर्ग है वो बीजेपी की तरफ आ रहा है?
देखिए ऐसा है, पूरा अनुसूचित जाति वर्ग और मुस्लिम भाव जिसमें खासकर महिलाओं के वोट, जैसे कि हमारे विधायक जी ने बताया कि तीन तलाक वाले उस मामले पे मुस्लिम बाहुल में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तीसरा मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आपने बताया कि मायावती जी ने हरिजन लोगों को अपना एक गलत गुमराह करके, ऐसी कोई उन्होंने काम नहीं किए लेकिन लोगों के बीच में गुमराह करके, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को एक नई दिशा और ऊंचाइयों को ले जाने के लिए सभी वर्गों को, जिसमें मुस्लिम या अनुसूचित जाति हों या पिछड़ा वर्ग, सभी के वर्गों के हितों की हिसाब से रखकर कई सारी योजनाएं चलाई हैं, और उन योजनाओं पर अनुसूचित जाति ने, मुस्लिम बाहुल ने और अन्य सभी जातियों ने उनकी योजनाओं पर विश्वास किया है। और मुझे विश्वास है कि उसी विश्वास के अंतर्गत इतना प्रचंड बहुमत हमारे भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत और वहाँ की जनता को, और मैं माननीय प्रधानमंत्री का जो विश्वास जनता ने किया है, मैं बिल्कुल विधायक जी और जिलाध्यक्ष जी आपसे एक एक आखिरी सवाल करें, उसके पहले पाटनी जी जो युवा नेता है उनसे पूछेंगे कि देश का जो व्यापारी वर्ग है वो ये इस तरह की बातें की जा रही थी कि नोटबंदी से उनका व्यापार खत्म हो रहा है, तो ये चुनाव उस तरह की चीजों को सही करते हैं क्या? चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने वोट देकर नोटबंदी का जो विरोध कर रहे थे उनको करारा जवाब दिया है, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से वोट देकर चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का कहना है कि देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, उसकी उस तरफ हमारा ये प्रयास है और आगे इसी तरह बढ़ते रहेंगे और पूरे देश। तो ये जो विजय उत्सव आप पूरे देश में मना रहे हैं चार राज्यों के चुनाव में जीतने का, तो उसी का हिस्सा है कि लोगों को आप बता सकें अपनी जीत का जो है जश्न? नहीं, उसी का हिस्सा है, सभी को बता रहे हैं और जनता जागरूक है और जनता सोच रही समझ रही है अच्छी तरह से कि अगर देश का कोई भला कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी। चलिए कुछ जब विजय उत्सव के बहाने आप आए, कुछ दो एक सवाल आपके राजनीतिक पटाक्षेप जो अभी चल रहे हैं वर्तमान के, एक आपसे जुड़ा एक जिलाध्यक्ष जी से। पूरे प्रदेश में और देश भर में एक बड़ी चर्चा है, चूंकि आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप उस सदन के हिस्से होते हैं जहां मुख्यमंत्री भी और आप भी सब साथ में बैठते हैं, ये चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये सब जना होरी का मामला है ऐसा ना, मैं आपको जो है ना दम ठोक कर कह सकता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश की बात तो खैर मुझे नहीं कहना चाहिए, परंतु नहीं आप हमारे पूरे अशोकनगर विधानसभा के कार्यकर्ता होने के नाते से और उस सदन का मेंबर होने के नाते से 2018 का जो चुनाव होगा वो जो है ना शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में होगा, और चौथी बार सरकार जो बनेगी वो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बनेगी। जिलाध्यक्ष जी एक कठिन सवाल आपसे, पूरे अशोकनगर के कार्यकर्ता और जनता ये पूछना चाह रही है कि 2 महीने लगभग आपको अध्यक्ष बने हो गए, कार्यकारिणी कब बनाएंगे? कार्यकारिणी बहुत जल्दी बनने वाली है जी, क्योंकि बीच में कई कार्यक्रम ऐसे आए जिनके कारण से मैं विलम्ब जरूर हुआ। अभी आजीवन सहयोग निधि का कार्यक्रम अभी निपटा है, और इसके साथ ही अभी 29 तारीख को नर्मदा सेवा यात्रा जो बहुत बड़ा काम है उसमें हम सभी लोग 29 तारीख को वहाँ जा रहे हैं, और बीच में चूँकि आपका अठेर का चुनाव जी आ गया, और अठेर के चुनाव में भी हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, मैं 9 तारीख का जैसे ही ये चुनाव निपटेगा बिल्कुल 4 दिन के अंदर घोषणा कर। चलिए ये आपकी घोषणा है कि अठेर चुनाव के 4 दिन बाद ये बीजेपी कार्यकारिणी बन जाए। आखिरी सवाल का जवाब और दे जाइए, लोग कह रहे हैं गुटबंदी का दबाव इस वजह से बना नहीं पा रहा कार्यकारिणी। नहीं कि कोई गुटबंदी का नहीं है, और जहाँ तक मैं कहता हूँ कि लोग कैसे कह रहे हैं मुझे को पता नहीं, लेकिन आज तक किसी भी कार्यकर्ता ने मेरे से आकर ये नहीं कहा कि मेरे को किसी दायित्व दिया जाए, मेरे को कमेटी में लिया जाए मुझे। और दूसरा अगर आपको लग रहा है कि गुटबाजी है, तो मैंने तो ना गुटबाजी में विश्वास कभी किया है और ना आगे करूँगा। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, जिले के सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट करके मेरा प्रण है कि तीनों विधानसभाएं और लोकसभा कांग्रेस मुक्त करके ही मैं इस पद से हटूँगा,
आपको बधाई और शुभकामनाएं। बहुत कठिन व्रत उन्होंने ले रखा है। 3 में से 2 विधानसभाएं कांग्रेस के पास है और एक लोकसभा भी अभी हाल कांग्रेस के पास में ही है। देखते हैं कि इनका ये व्रत कितना पूरा हो सकता है। फिलहाल विजय उत्सव के बहाने अशोकनगर के सभी तमाम वरिष्ठ नेता आज अशोकनगर एसआर के ऑफिस में आए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आगामी माह में परशुराम जयंती का आयोजन किया जाना है, इसी को लेकर ब्राह्मण समाज अपने स्तर पर कार्यक्रम करने की तैयारियों में जुट गया है। बीते दिनों सालवा में भी ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक नई कार्यकारिणी का गठन किया। इस दौरान रिटायर्ड शिक्षक श्री मोहन प्रसाद शर्मा को समाज का नया अध्यक्ष चुना गया। साथ ही रिटायर्ड शिक्षक देवीलाल शर्मा जी को ब्राह्मण समाज के उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। इसके अलावा सचिव और उपाध्यक्ष पद पर भी क्रमशः संजय भार्गव और शिव कुमार शर्मा का चयन किया गया है। साथ ही आगामी समय में परशुराम जयंती के समय कार्यक्रम करने को भी जो है लेकर तैयार किया गया। रंगपंचमी पर अशोकनगर जिले के मंगावली विकासखंड के करीला में लगने वाले मेले का प्रशासन ने सफल आयोजन कर दिया। तकरीबन 15 लाख से अधिक लोगों ने इस बार इस मेले में दर्शन किए। इस दौरान राई नृत्य का भी आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह सपत्नीक इस मंदिर में पहुंचे और मन्नतें मांगी। साथ ही प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए माता के दरबार में दुआएं भी मांगी। इसके अलावा ग्वालियर कमिश्नर एसएन रूपला भी पूरे कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। अशोकनगर विधायक गोपीलाल जाटव और चंदीरी विधायक गोपाल सिंह चौहान ने भी 5-5 लाख रुपए की विधायक निधि से राशि इस मंदिर और आसपास की सुविधाओं के निर्माण के लिए दी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रही और पूरे समय कलेक्टर बीएस जामोद और एसपी संतोष सिंह गौर सारी व्यवस्थाओं का खुद जायजा लेते हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अशोकनगर जिले की मंगावली तहसील की ग्राम पंचायत जसैया के ग्राम करीला में रंगपंचमी 17 मार्च को विशाल करीला मेले का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय मेले का समापन 18 मार्च को हुआ। इस वर्ष सुरक्षा व्यवस्था व श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस दौरान रंगपंचमी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का करीला धाम आना प्रारंभ हो गया था। रंगपंचमी के दिन बारात में लाखों श्रद्धालुओं ने माँ जानकी के मंदिर में शीश नवाया एवं दर्शन लाभ लिया। माँ जानकी के दरबार में आकर लाखों श्रद्धालुओं ने माता जानकी मैया के जयकारों के साथ रैली में कतारबद्ध होकर दर्शन किए एवं मन्नतें मांगी। साथ ही मन्नतें प्राप्त हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर के बाहर राई नृत्य करवाया। करीला के मुख्य मंदिर में मां जानकी के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि व लवकुश की प्राचीन प्रतिमाएं स्थित हैं। साथ ही राम दरबार व राधा कृष्ण की मूर्तियां भी इस परिसर में स्थापित की गई हैं। करीला धाम में मान्यता है कि जिसकी भी संतान न हो वो यहां आकर संतान मांगे तो उसकी मुराद मां जानकी जरूर पूरा करती है। मुराद पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी श्रद्धानुसार राय कराते हैं। क्षेत्र में यह लोकोक्ति प्रचलित है, इसी को लेकर हर साल हजारों लोग इस मंदिर में आते हैं और राय नृत्य कराते हैं। मैं पहली बार आया। बस सुख शांति रहे, खुशियाँ खुश रहे मेरा परिवार। मैया के चरणों में शीश झुकाने आए और मन्नत, मध्य प्रदेश में जिस तरह मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं जनता की सेवा में और अच्छी सेवा कर सके, जन भावनाओं पे खड़े उतर सके, मैया के आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य करने भी आए हैं और प्रार्थना करने आए कि हम जनता का कल्याण कर सकें, मध्य प्रदेश और देश का विकास कर सकें, जनता की सेवा करके और अपने जीवन को धन्य कर सके, ये प्रार्थना लेके मैया के चरणों में शीश झुका के शीश झुकाने आए। कलेक्टर श्री बी एस जामोद एवं पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर द्वारा करीला मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ साथ संपूर्ण मेले की दूसरी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। मेला में पेयजल से विद्युत स्वच्छता एवं सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को निरंतर ताकीद करते रहे। कलेक्टर द्वारा जिले के सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को मेले की व्यवस्थाओं के दायित्व सौंपे गए थे, जिसके तहत सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने मुस्तैदी के साथ ये काम किया। और मैं और यहाँ से 10 किलोमीटर मेरा गाँव है, यहाँ पे जो भी
भावना लेके, जो भी श्रद्धालु भावना लेके आता है उसकी पूरी होती है, इसके बाद में दर्शन करने के लिए। और उनकी जो मन्नत, जो उनकी जो बधाई मदाई जो उन्हें करना है, प्रसाद या कुछ भी भंडारा, इसके बाद में ही कुछ लोग करते हैं। यहाँ ऐसी यहाँ की परंपरा है। और यहाँ पे हमें देखने में ये लगा, पहले 20 साल पहले 25 साल पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, ना सड़कें थी ना कोई थी। इसमें टेस्ट में आने से हमें सब जनता श्रद्धालु को आने में सुविधा हुई है। सेक्टर मजिस्ट्रेटों द्वारा दर्शनार्थियों को कोई असुविधा ना हो, इस पर विशेष ध्यान लगाया गया था। पुलिस के जवान मंदिर के परिसर में बनाए गए 35 फुट ऊंचे वॉच टावर पर पहुंचकर दूरबीन से सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे, ताकि मंदिर परिसर एवं मेला स्थल पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से मेले पर सतत निगरानी रखी रहे। मेला व्यवस्था में आवागमन को सुगम बनाए हेतु चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। मेले में इस बार पानी के विशेष इंतजाम किए गए थे, जिसके तहत टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई भी की गई थी। नवीन डकवेल के निर्माण होने से इस बार पानी की समस्याएं कुछ कम रही। मेले में इस दौरान बड़ी बड़ी दुकानों और झूलों का भी यहाँ आए श्रद्धालु और दूसरे लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। उम्मीद के अनुसार लगभग 15 लाख से ज्यादा लोगों ने इस मंदिर में इस बार दर्शन किए और तकरीबन 3000 के आसपास राइयों के भी इस मंदिर में पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। और यहां 18 से 20 लाख श्रद्धालुओं की आने की अभी संभावना है, 10 और 12 के ऊपर तो अभी हो चुके हैं। काफ़ी पब्लिक लगातार बढ़ रही है, आप भी देख रहे होंगे कि चारों तरफ से क्राउड आ रहा है और बहुत सारे यहाँ वाहन और इत्यादि जो है लोग अपने साधनों से आ रहा है। प्रशासन द्वारा यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, शौचालय के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भी शौचालय बनाए गए हैं, यहाँ उनका भी उपयोग हो रहा है। यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा साफ सफाई के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है, लगाए भी गए हैं चारों तरफ से, बहुत सारे कर्मचारी लगाए गए हैं सफाई के लिए। किसी प्रकार की पॉलीथिन या कोई ऐसी गंदगी नहीं पाई जाए, जिससे कि जो शौचालय जो स्वच्छ है, स्वच्छ पानी पाउच पर जो रोक लगाई है वो कहाँ तक सीमित रही है? नहीं, पानी पाउच कुछ हफ्ता के बाद में ऐसा डिसीजन लिया गया था कि पेयजल की बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर रहती है, और उस संबंध में पानी पाउच को लिए फिर हमने खोल दिया था जिला प्रशासन द्वारा। बाकी और पॉलीथिन वगैरह जरूर सब पे लगी और डस्टबिन वगैरह रखें, जिनमें पाउच वगैरह और इत्यादि जो भी ऐसा सामान है उनमें बराबर नगर पालिका के द्वारा डाले जा रहे हैं, सब रखे जा रहे हैं। क्या पूरे मेले को सीसीटीवी कैमरे से निगरानी? बिल्कुल, पूरे मेले में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और पूरे मेले में लाउड स्पीकर वगैरह यहाँ से कम चारों तरफ से जहाँ भी पार्किंग व्यवस्था है पार्किंग तक लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। कल रविवार 19 तारीख को अशोकनगर के बिदिशा रोड, ईसा रोड एवं मेन बाजार में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक बतन खाड़े ने बताया कि बिजली के रखरखाव एवं दूसरी व्यवस्थाओं की मेंटेनेंस के लिए यह 2 घंटे का बिजली प्रदाय बंद किया जाएगा।